चलिए आज बनाते हैं एकदम टेस्टी और यम्मी पिज्ज़ा। तो हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए चाहिए वार्म वाटर। आपको पूरा गर्म पानी नहीं लेना है, एकदम वार्म वाटर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी और इसे अच्छे से मिला लेंगे जब तक चीनी इस पानी में ना घुल जाए। देखिए चीनी पानी में घुल गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच मैदा और इसे अच्छे से मिला लूंगी। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ड्राई ईस्ट और इसे आपको अच्छे से मिलाना है। अगर आपका ईस्ट नहीं आया तो आपका डो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसे फॉर्मेंट होने के लिए रख दूंगी 15 मिनट तक। देखिए फॉर्मेंट हो गया है। चलिए अब बनाते हैं डो। तो मैंने लिया 1 कप मैदा, 1/2 कप गेहूँ का आटा मैंने लिया है। अब हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैंने अब मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें फर्मेंटेड किया हुआ ईस्ट का पानी। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। अब मैं इसमें डाल लूँगी बीटरूट का जूस। आप चाहिए तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, बट मैं पिंक पिज्ज़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ बीटरूट का जूस यूज़ किया है। आपको इसका सॉफ्ट डो बनाना है और इसे अच्छे से गूंदना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं हाथ में तेल ले रही हूँ और इसे अच्छे से डो पे लगाकर गूंद लूँगी। आप जितना अच्छा डो बनाएंगे आपका पिज़्ज़ा भी उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए मैंने डो बना लिया है। अब मैं ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और पिज़्ज़ा को रख दूँगी। इसे आपको 40 से 45 मिनट तक ढक के रखना है। देखिए अब मैं इसे 45 मिनट के बाद खोल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना फ्लफी बना। अब डालूंगी मैं मैदा जिससे आपका पिज़्ज़ा का डो है जो वो चिपके ना। देखिए मैं अब इस डो को 2 भाग में कट करूँगी। मैंने इसे 2 भाग में कट कर लिया है। अब मैं इसे गोल सा आकार दे दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से बेल लूंगी। आपको ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है ना ही पतला, आपको एकदम मीडियम में बेलना है। अगर आप मोटा बेलेंगे तो पिज़्ज़ा कच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैंने लिया है हार्ट शेप का वो केक बनाने वाला केटल, तो मैं इसे एक हार्ट शेप का शेप दे दूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब मैं इसे काट लूंगी। अगर आपको ये हार्ट शेप का नहीं बनाना है तो आप सिर्फ गोल शेप का बना के जो फिर मैं अगला प्रोसेस करूंगी आप वैसे ही करते जाए। अब मैं इसे अच्छे से काट लूंगी। देखिए मैंने इसे अच्छे से काट लिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे स्पोर्ट स्पून से छेद कर लूंगी। आप चाहे तो कोई भी नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आपका पनीर का स्लाइसेस। देखिए मैंने इतना पतला पतला स्लाइसेस काट के इसमें मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसे साइड से फोल्ड कर दूंगी। देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आप भी वैसे फोल्ड करते जाएं। अगर आपको स्टेप नहीं करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहे तो टमाटर की चटनी भी डाल सकते हैं या फिर सेजवान चटनी हो, आपके पास जो चटनी है आप वो डाल सकते हैं। अब मैं मोजरेला चीज़ को ग्रेट करके डाल दूंगी। मैंने मोजरेला चीज़ का रेसिपी डाल रखी है, आप चाहे तो जाके मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें वेजेस। आप चाहे तो कोई भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम और ऑनियन, फिर मैंने टमाटर यूज़ किया है। अब मैं फिर से मोजरेला चीज़ को इससे ऊपर से ग्रेट कर दूंगी। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। अब बस इसे बेक होने के लिए रेडी करना है। तो मैंने लिया है प्लेट और उस प्लेट में मैंने छिड़क दिया मैदा जिससे आपका पिज़्ज़ा चिपके ना। मैंने पिज़्ज़ा को रख दिया प्लेट में। मैंने पहले से ही कढ़ाई को गर्म करके रख दिया है। अब मैं इसमें रखूँगी पिज़्ज़ा और इसे हम लो फ्लेम में एकदम इसे ढक के पकाएंगे 30 से 40 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में। देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया और कितना सुंदर लग रहा है, कितना चीज़ी लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर से मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। अब मैं इसे काट ली हूँ। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितना चीज़ी जैसा निकल रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तक देखने के लिए थैंक यू।